ओके, द टॉपिक इज बड़े घर की बेटी, ठीक है। अब बड़े घर की बेटी में पहले हम लोग देखते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में, और कैरेक्टर्स के पहले भी जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है मेरे क्लास का, जो ये टॉपिक है बड़े घर की बेटी, उसको डिकोड करता है, ठीक है। मैं आप लोग से पूछूंगी नॉर्मल, और आप लोग एकदम कूल रहो, ये मत सोचो समवन इज देयर टू जज यू और समथिंग लाइक दैट, क्वेश्चन आंसर की तरह प्ले करते रहो, ठीक है। बड़े घर की बेटी जो नाम है, इससे इस नाम से आप लोग को क्या समझ आ रहा है कि इस चैप्टर में होने क्या वाले है। हो सकता है बहुत लोग पढ़ रखे, हो सकता है बहुत लोग नहीं पढ़ रखे, डज नॉट मैटर। हमको सिर्फ आप लोग का इस टॉपिक से, इस शीर्षक जिसको बोलते हैं, टॉपिक को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षक, हम लोग को उसको डिकोड करना है कि ये जो बड़े घर की बेटी का टॉपिक है उससे आप लोग क्या समझ रहे हो। कौन बोलेगा, बोलो, आपके लिए बड़े घर की बेटी का मतलब क्या है? टेल मी मैम, हम बोले, बोलो प्रिया मैम, बड़े घर की बेटी मतलब अमीर घर, अमीर घर की बेटी, कूल, ठीक है। प्रिया का अपना विचार है क्या कि बड़े घर की बेटी से उसका मतलब है एक बेटी ऐसे जो कोई रिच फैमिली या रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। एनीवन एल्स अपना अपना विचार बताओ, क्या लगता है आप लोग को? और साहिल बता दो, सिर्फ हंस रहे हो, और बाकी लोग नहीं, कुछ नहीं लगता है। ओके, साहिल अपना विचार प्रकट नहीं करना चाहते, बाकी लोग, Anyone, यशस्वी, दिव्या, जो मुझे दिख रहा है, देखो मैं तो उनको देखकर ही पढ़ा रही हूँ, बाकी लोग भी ऑन करो, अटेंशन जाएगा, और else कुछ समझ नहीं आता है। बाकी लोग क्या लगता है बड़े घर की बेटी? दिव्यम, ट्राई, गिव अ ट्राई, तुमको क्या लगता है, वॉट इज देयर बड़े घर की बेटी से तुम क्या समझ रहे हो? सेम सेम जो प्रिया बोली वही चीज। हाँ मैम, कूल, माने रिच फैमिली, ओके। अभी हम लोग को जो नॉर्मल लिटरल सेंस है बड़े घर की बेटी से हम लोग को समझ आ रहा है समवन, इस चैप्टर में कुछ ऐसी लड़की के बारे में बात होगा जो किससे बिलोंग करती है, बड़े घर। हाय निकुंज, निकुंज को हाय बोलते गए, ओके दैट्स फाइन, नेक्स्ट, ओके। तो हम लोग को ऐसा समझ आता है कि ऐसा घर जो किससे बिलोंग करती है, माने ऐसा घर है जो बड़ा घर है और उसकी बेटी के बारे में बताया जाएगा, तो कूल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्चुअली में, लास्ट में सस्पेंस है, क्या एक्चुअली में कोई ऐसी बेटी के बारे में बताया जा रहा है जो बड़े घर की है, या इसका इनर मीनिंग कुछ और है, वो सस्पेंस ब्रेक होगा एंडिंग में, जो हम लोग आज ही शायद देख लें। Now the thing is that इस जो स्टोरी है, ये जो अपना स्टोरी है, इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स है पहले आप लोग वो समझ जाओ, तभी अपने को मजा आएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हेड आता है बेनी माधव सिंह, रिपीट करना चाहे आप लोग, म्यूट भी क्यों ना हो। सबसे पहला कैरेक्टर का नाम है बेनी माधव सिंह, बोलो कौन है, रिपीट करो, म्यूट में रहकर ही रिपीट करो। सबसे पहला कैरेक्टर कौन है गाइज? बेनी माधव सिंह, रिपीट इट, बेनी माधव सिंह। प्रिया, यशस्वी, रिपीट, अपने साथ ही बोलो, अपने साथ ही सोचो, बहुत लोग है टाइप्स, व्हाटएवर, कि कौन है सबसे पहला कैरेक्टर, बेनी माधव सिंह। अब उसके दो बेटे हैं, कितने बेटे हैं बोलो, दो बेटे, दो बेटों का नाम क्या है? सबसे पहले का नाम है श्रीखंड सिंह, बड़े बेटे का नाम क्या है? श्रीखंड सिंह, और छोटे बेटे का नाम है लाल बिहारी, ठीक है। अगेन सबसे पहला कैरेक्टर है बेनी माधव सिंह, कौन है बोलो, एक्सक्यूज मी, कौन है बोलो, बेनी माधव सिंह। देन उसके दो बेटे हैं, दोनों बेटे का नाम क्या है? बड़े बेटे का नाम है श्रीखंड, छोटे बेटे का नाम है लाल बिहारी। फिर जो बड़ा बेटा है ना, उसकी वाइफ का नाम है आनंदी, क्या नाम है श्रीखंड सिंह की वाइफ का नाम? आनंदी। और यहाँ पे आनंदी पे ही फोकस किया गया है, जिसको बड़े घर की बेटी बोला गया। अब बड़े घर की बेटी रिच को बोलते हैं या किसको बोलते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, बट यहाँ आनंदी इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर्स ये लोग ही है। और क्या बोल रहे हो यशस्वी, कुछ बोल रहे थे? अच्छा ओके, तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स, ओके, तो मेन कैरेक्टर्स ये लोग है। नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे आनंदी के पिता का नाम भी बोला जाएगा, बट वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन है? बेनी माधव सिंह, उसके दो बेटे, दोनों बेटे का नाम क्या है? पहले एक बेटे का नाम है श्रीखंड सिंह, और दूसरे का नाम क्या है बोलो, मैं भूल गई, आप लोग बताओ, दूसरे बेटे का नाम, वेरी गुड, लाल बिहारी, वेरी नाइस। एंड आनंदी किसकी बीवी थी, लाल बिहारी की या श्रीखंड की? श्रीखंड, श्रीखंड, वेरी गुड, ठीक है, श्रीखंड। अब हम लोग को स्टोरी में देखना है कि एक्चुअली होता क्या है बड़े घर की बेटी के साथ, क्योंकि फोकस ऑब्वियसली हेडिंग जो है उसी के ऊपर होगा, तो हम लोग चैप्टर पढ़ते पढ़ते देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेनी माधव सिंह जो मेन कैरेक्टर है,
गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। जमींदार तो आप लोग सबको पता ही है, ठीक है, जिसकी जमीन है, जिसका सारी चीज है, उसको जमींदार बोलते हैं। और नंबरदार भी क्या होता है, जो गांव का हेड जैसा होता है या गांव में जिसके पास बहुत कुछ हो, जमीन वमीन हो, उसको हम लोग नंबरदार बोलते हैं। ठीक है, गाँव में जिसके पास जमीन हो, सॉर्ट ऑफ जमींदार, या फिर बोल सकते हो जो गाँव में थोड़ा पोजिशन होल्ड करता है, उसको हम लोग नंबरदार बोलते हैं, याद रखना। ये कौन था, बेनी माधव सिंह के बारे में अभी डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट पैरा में पूरा। उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। पितामह माने दादा। अब उसके दादा के बारे में बताया जा रहा है कि उनके जो दादा थे, किसके दादा, बेनी माधव सिंह के दादा, वो किसी समय बहुत रिच थे। अब यहाँ पे जो ये वर्ड आया है गाइस, किसी समय वो बहुत रिच थे, तो इसका मतलब क्या है कि इन लोग जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है, क्या वो लोग रिच है, नहीं है, isn't it? जब बोला जा रहा है कि किसी समय वो लोग रिच थे, माने जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट जनरेशन इनका चल रहा है, वो लोग रिच नहीं थे, इसका मतलब ये है। अपने निकालते भी जाएंगे, समझ रहे हो, हिंदी मतलब क्या, जो लिखा है वो नहीं, उसके आगे पीछे क्या है उसको भी नोटिस करना। तो यहाँ पे क्या है, उसके पितामह किसी समय बड़े बड़े धन धान्य, माने वेल्दी, रिच, पैसे, धन धान्य इज व्हाट, की पैसे, एसेट बहुत थे, संपन्न थे माने उनके पास बहुत थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, माने गांव में जो एक तालाब था, अच्छा वाला तालाब था, पक्का तालाब माने बहुत अच्छे से बनाया गया था, और मंदिर माने दो चीज बोला गया, तालाब और मंदिर, क्या क्या बोला गया गाइज, टू थिंग्स, तालाब और मंदिर, याद रखना, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी। अब तो ऐसा पोजीशन आ गया कि रिपेयर भी नहीं करा पा रहे, मरम्मत माने रिपेयरिंग, अब ऐसा कंडीशन है कि हम लोग उसका रिपेयरिंग भी नहीं करा पा रहे, किसका, दो चीजों का, क्या दो चीजों का, मंदिर और तालाब, ठीक है, दो चीज बोला गया। उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। नाउ व्हाट इज कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ माने कुछ याद में बनाया गया वाला चीज। सपोज मैं एक स्कूल बना रही हूं और मैं सोच रही हूँ कि ये स्कूल से लोग मुझे याद करेंगे मेरे मरने के बाद, लाइक दैट। तो कीर्ति स्तंभ का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिससे याद करते हैं हम लोग इंसान को, वो पहचान छोड़ जाते, इट्स लाइक दैट। तो इस तीन लाइन में हम लोग क्या समझे, इस तीनों लाइन में हम लोग ये समझे कि उनके पितामह ने दो चीजें बनवाई थी, क्या, तालाब और मंदिर, बट अभी इन लोग के जेनरेशन का कंडीशन इतना खराब है कि अभी उसका रिपेयरिंग भी नहीं करवा पा रहे हैं। पर ये जो बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था, माने किसने बनाया था, उनके पितामह ने बनाया था, ये एंडिंग में पता चल रहा है, क्योंकि ये लाइन लिखा हुआ है कि उनके ही कीर्ति स्तंभ थे, कीर्ति स्तंभ माने उनकी याद में बना हुआ था वो दो चीज, ऐसे बोला जा रहा है। नेक्स्ट, बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय, आय सैलरी, वर्तमान माने प्रेजेंट, प्रेजेंट सैलरी 1000 वार्षिक से अधिक ना थी। 1000 इज 1000 रुपीज, 1000 वार्षिक माने ईयरली, इट्स नॉट मंथली गाइस, वार्षिक इज व्हाट, ईयरली से अधिक ना थी, माने इनका कंडीशन तो अभी इतना खराब था कि ये लोग कितना कमा रहे हैं, 1000 रुपया ईयरली कमा रहे, ठीक है। और सेकंड चीज बोल रहे कि ऑब्वियसली कुछ केस में या किसी चीज में पड़ा होगा, इसीलिए इनकी बहुत सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी किनके पास चला गया, वकीलों के पास चला गया। और ये जो वकील वाला लाइन आया है, ये और कहीं मेंशन नहीं है, तो इनडायरेक्टली बस हम लोग इस लाइन से ये जान सकते हैं कि ऑब्वियसली थोड़े लोन में या किसी चीज में डूब रखे थे कि इनको वकील का सामना करना पड़ता था। और अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी, होता है ना, अगर अपने पास रुपया नहीं है तो प्रॉपर्टी बेचकर या प्रॉपर्टी को ही वकीलों को देना पड़ता है केस लड़ने के लिए, तो यहाँ पे बस इतना बोला गया है। इस पैरा में आप लोग सबका क्लैरिटी है ना, या कोई किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लो, एनीवन, प्रिया, यशस्वी, दिव्यम, साहिल, बाकी जो वीडियो ऑफ करके घोस्ट मोड में है, बताओ सबको क्लियर है एकदम, ओके, नाइस। नेक्स्ट आ गया, ठाकुर साहब के दो बेटे थे, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर ठाकुर साहब कौन है, बेनी माधव सिंह, ठीक है। बड़े का नाम श्रीखंड सिंह था, एक्सक्यूज मी, बड़े बेटे का नाम क्या था, श्रीखंड।
उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। बीए क्या होता है? अपना डिग्री का नाम है। तो जो श्रीकंठ सिंह था वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, उस जमाने में बीए का डिग्री बहुत वैल्यूएबल था। तो उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया और उसके बाद उसको कौन सी डिग्री मिली? बीए की डिग्री मिली। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक दफ्तर में नौकर था। नौकर माने वैसा नौकर नहीं कि घर पे कोई काम करता, लाइक दैट। हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर को नौकर बोलते, सरकारी नौकर और समथिंग, इसीलिए नौकर वर्ड आया कि वो कहीं पे काम करता था। एंड बेसिकली जो लोग भी जॉब करते हैं ना, तो जो लोग कर रहे हैं जॉब, वो नौकर वर्ड ही आता है। नौकर इज नॉट अ इनकरेक्ट वर्ड या खराब वर्ड नहीं है, बट हम लोग उसको नौकर वर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग किसी का काम कर रहा है, इसीलिए दी वर्ड नौकर इज यूज। ऐसा नहीं कि वो चपरासीगिरी कर रहे हैं या वो कोई तुच्छ काम करे, गंदा काम करे, नीचे का काम करे, ऐसा नहीं है। तो वो बीए पढ़कर एक ऑफिस में लगा था जहां पे वो काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला, सजीला माने सुंदर, दोहरे बदन का माने उसका पूरा क्या बोलते हैं ये, अरे मसल वसल बहुत था, जिम विम सॉर्ट ऑफ टाइप्स वाला लड़का था, होता ना वैसा, तो पूरा मसल वसल अच्छी खासी थी उसका, दोहरे बदन का। सजीला माने सुंदर, जवान था, जवान माने यंग था। भरा हुआ मुखड़ा माने फेस बहुत सुंदर था, भरा हुआ यानी कि सूखा सूखा, देखकर ही लगे कि कितना डिप्रेस्ड और समथिंग लगता। चौड़ी छाती माने जैसे पहले के जमाने के लड़के लोग होते थे, पूरी चौड़ी छाती, वैसे एकदम टिपिकल लड़का। भैंस का दो सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। सोचो इतना ताकत था कि भैंस का दूध, गाय का दूध नहीं, याद रखना किसका दूध का बात करे, भैंस का दूध सुबह उठते ही कितना पीता था, दो सेर, सेर इज व्हाट, ग्राम्स में बोला जाता है अपना, आप लोग बोल सकते हो वैसे करके, कितना ग्राम बोलोगे, 50 या समथिंग वैसा ग्राम बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत दूध पी वो जाता था, इट्स ग्राम, सेर इज ग्राम। नेक्स्ट, श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी, बट छोटा भाई जितना सुंदर था ना, बड़ा हुआ मुंह, बॉडी इतनी अच्छी, बट बड़ा भाई उतना ही अपोजिट था, विपरीत माने अपोजिट था, ठीक है, उसकी स्थिति विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं दो अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन नेत्र प्रिय गुणों माने नेत्र प्रिय क्या होता है, जो हमारे आंखों को सुख दे, बोलते ना नैन सुख, आंखों को सुख दे, तो आंखों को सुख क्या देता था, जो बॉडी बॉडी हो वैसा सुख देता था, पर अपना जो बड़ा बेटा है श्रीकंठ, उसने आंखों को सुख देने वाली चीजें त्याग दी, माने उसने बॉडी बॉडी बनाने वाली चीजें, बोल लो सुंदर लगने वाली चीजें त्याग दी। किसके लिए त्यागी? डिग्री हासिल करने के लिए त्यागी। अभी तुम लोग क्लास 10 में, ऑब्वियसली तुम लोग का फोकस देखो एग्जाम में होगा, सब चीज में होगा, तो टू लुक अट्रैक्टिव या टू लुक गुड वो तुम लोग के लिए सेकेंडरी होगा, आई होप ऐसा ही है, एग्जाम पहला है बाकी सब सेकेंडरी है। तो यहाँ पे भी यही चीज बोल रहे कि ये जो लड़का था अपना श्रीकंठ, बीए पास करने के लिए नेत्र प्रिय गुण माने जो दिखने में सुंदर हो या सारी चीजों, उसने त्याग दी थी, वो सारा टेंशन अपना एग्जाम में दिया था, यही चीज बोल रहे। नेक्स्ट, इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। दो अक्षर क्या हो गया? बीए, बीए की डिग्री को दो अक्षर बोल रहे हैं, बीए माने बोलने के लिए दो अक्षर है, बट कितनी बड़ी डिग्री है, इसने कितना पढ़ना पड़ा है इसको। इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। कांतिहीन माने जिसमें ग्लो नहीं हो, जिसमें तेज नहीं हो, होता है ना, माने सुंदरता माने ये नहीं होती कि आप सुंदर ही हो, सुंदरता माने आप में ग्लो हो, आपका फीचर वैसा अट्रैक्टिव हो, तो इसमें यही बोल रहे कि उसका तेज ही नहीं था, मुंह में रोशनी नहीं थी, जैसे ग्लो ही नहीं था चेहरे पे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ पढ़ के पूरा तंग हो गया था, वो उसी डायरेक्शन में चला गया था। और निर्मल की जगह यहाँ पे बेसिकली निर्बल होना चाहिए, इट इज लाइक वीक बना दिया था, बट यहाँ पे निर्मल है तो आप लोग सॉफ्ट बोलो, बट बेसिकली होना निर्बल चाहिए, ना कि निर्मल, माने वीक हो गया था उसका शरीर पढ़ते पढ़ते। और कांतिहीन का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें तेज ना हो या ज्यादा ग्लो नहीं हो, लाइक दैट। नेक्स्ट, श्रीकंठ सिंह इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे। माने श्रीकंठ सिंह ने जो डिग्री ली वो तो इंग्लिश डिग्री है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था ये सब डिग्री, इसीलिए अंग्रेजी डिग्री बोला जा रहा है। और इस डिग्री के वो अधिपति थे, अधिपति माने स्वामी बोल लो, क्योंकि उसने गेन कर लिया था, वो बन गए थे बीए, इसीलिए बोल रहे बन गए थे बीए माने बीए का डिग्री ले लिए थे, तो वो एकदम स्वामी बन गए थे, उसके टॉप मोस्ट एकदम हीरो जैसे हो गया था उस डिग्री को लेकर। पर फिर भी वो पाश्चात्य, पाश्चात्य माने वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न चीजें, फॉरेन कल्चर, पाश्चात्य माने फॉरेन की चीजें, वेस्टर्न कल्चर,
पाश्चात्य सामाजिक, सामाजिक वाले सोसाइटी से रिलेटेड प्रथाओं, प्रथाओं का मतलब अपने क्या बोलेंगे, कल्चर रिचुअल्स बोल सकते हो, के विशेष प्रेमी नहीं थे। माने ये टाइम ऐसा था हिंदुस्तान में जहां पे दो चीजें हो रही थी, कुछ लोग तो अपनी कल्चर को छोड़ के वही बॉल डांस करना, वही वेस्टर्न चीजें खाना, वो सब में चले गए थे, और कुछ लोग उसका विरोध करते थे कि नहीं हमें अपना इंडियन कल्चर को एकदम रख कर रखना है। तो यहाँ पे श्रीकंठ सिंह के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो श्रीकंठ सिंह थे वो कैसे इंसान थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो वेस्टर्न आइडिया से अट्रैक्टिव नहीं थे। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने भले ही अंग्रेजी डिग्री प्राप्त की, भले ही वहां पे काम कर रहे हैं, पर फिर भी वो वेस्टर्न आइडिया, वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट थे। याद रखना, उनके कैरेक्टर स्केच में आप लोगों को लिखने के लिए हेल्प होगा। नेक्स्ट, बल्कि वे बहुधा, बहुधा माने हमेशा, बल्कि वे बहुधा, बहुधा इज हमेशा, बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। निंदा माने क्या होता है, बुराई, और तिरस्कार माने अपमान किया करते थे कि नहीं ये अंग्रेजी चीजें ठीक नहीं है, हमें इसका पालन नहीं करना चाहिए। वो ऐसे निंदा करते थे, निंदा माने बुराई, ठीक है, और तिरस्कार का मतलब है अपमान करते थे, इंसल्ट भी करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी ना किसी पात्र का अभिनय करते। पात्र माने कोई एक्टर बोलो और अभिनय माने एक्टिंग बोलो, ठीक है, और सम्मिलित माने पार्टिसिपेट करना, सम्मिलित का मतलब पार्टिसिपेट करना। अब इधर क्या बोल रहे हैं, बेसिकली ना अपने कोलकाता में इतना नहीं है ये, बट दिल्ली में बहुत होता है। जो वो अपना आता है ना दिवाली का टाइम, तो रामलीला ये सब बहुत होता है, ठीक है, अपने मूवीज में भी देखे हैं, एंड दिल्ली में तो बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट करते हैं लोग। माने रामलीला में क्या होता है, लोग ड्रामा करते हैं, जैसे स्कूल में ड्रामा होता है, रामायण का पूरा ड्रामा होता है, कोई राम बनता है, कोई सीता बनती है, कोई लक्ष्मण बनता है, लाइक दैट। तो ये जो इंसान थे ना हम लोग के श्रीकंठ सिंह, ये इसको फॉलो करते थे, रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे, और पार्टिसिपेट करते थे माने कोई एक चीज का रोल भी निभाते थे, मतलब कभी राम बन गए, कभी लक्ष्मण बन गए, कभी हनुमान बन गए, लाइक दैट। इससे वो क्या करते थे, अपने कल्चर को आगे करके रखे। अपने अभी क्या कर रहे, जूलियस सीजर ये सब हो गया, रोमियो जूलियट ये सब हो गया, इजंट इट, ये सब का अपने अब पोर्ट्रे करते हैं। बट यहाँ पे हमारी संस्कृति क्या है, हमारी रामायण ये सब, और हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए उसको मेंटेन रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये सब ड्रामा बच्चों को दिखाए और ये सब चीज में पार्टिसिपेट करें ताकि लोग इससे लिंक्ड रहे। यहाँ पे यही है। नेक्स्ट, प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। प्राचीन माने पुराना, सभ्यता माने वही चीज, कल्चर बोल लो, का गुणगान करना उनकी प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, उनकी स्वभाव का प्रधान अंग माने प्रिंसिपल कैरेक्टर था बोल लो, या प्रिंसिपल कैरेक्टर इन दी सेंस क्या, प्रिंसिपल एक पार्ट था कि अपनी पुरानी संस्कृति को याद करना, उसका वाहवाही करना इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे ये चीज बोला जा रहा है। नाउ अब आता है मेन चीज यहाँ पे स्टोरी का। सम्मिलित कुटुंब, सम्मिलित माने जॉइंट, कुटुंब माने फैमिली, माने जॉइंट फैमिली का बात है। सम्मिलित कुटुंब माने जॉइंट फैमिली के वे तो एकमात्र उपासक थे। उपासक माने सपोर्टर, माने ऐसा दिन मान आ गया था कि कोई भी लोग सपोर्ट नहीं करता था जॉइंट फैमिली में रहने के लिए, बट ये जो इंसान है श्रीकंठ सिंह, ये जोरों शोरों से सबको सिखाते थे क्या कि न्यूक्लियर फैमिली में नहीं, हम लोग को मिल बांट कर ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए, ये सिखाते थे हमेशा। उपासक माने सपोर्टर। नेक्स्ट, आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, अरुचि माने इंटरेस्ट नहीं होना, अरुचि माने इंटरेस्ट नहीं होना, तो यहाँ पे यही बोल रहा है, आजकल जो विमेन है, आजकल जो औरत लोग है, उनको ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं है, ठीक है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते हैं। तो वो चीज को क्या समझते हैं ये लोग, जाति के लिए भी माने हमारे पूरे पुरुष जाति या हमारे समाज के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि औरत ऐसी होती है जो फैमिली को जोड़ कर रखे, बट वही औरत लोग अगर बोले कि नहीं ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना है या समथिंग, तो हम लोग का देश का जो परंपरा है, जो बोलते हैं हम लोग सब संघ है, वासुदेव कुटुंबकम जैसे बोलते हैं कि वी ऑल आर सेम, इट्स लाइक दैट, ये हमारे भारत का स्लोगन है, तो ये चीज तो टूटता जा रहा है ना, क्या कि वी ऑल आर वन तो नहीं होगा अगर औरत लोग ही अलग अलग रहने लग जाएगी। अभी अपना फैमिली देख लो, मैक्सिमम लोग न्यूक्लियर रेजेंटेड, आप लोग सब में किस किस का न्यूक्लियर है, टेल मी, सबका न्यूक्लियर है, प्रिया यशस्वी दिव्यम न्यूक्लियर ना एवरी वन, यशस्वी डरो मत बाबू बोलो,
मेरा तो जॉइंट है मैम. वेरी गुड. तो ये बहुत रेयर दिखने को मिलता है आजकल जॉइंट वाली चीज. इसमें गुड और नॉट गुड वाली चीज भी नहीं है. ओके, बट आजकल बहुत रेयर होता है. ऐसे ही हो गया मैंने लाइफ स्टाइल सबका. नेक्स्ट, फिर ये तो हो गया. नेक्स्ट, यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी. ललनाएं माने औरतें. तो यही रीजन था कि जो गांव की औरत थी ना वो श्रीकंठ से चिढ़ती थी. क्यों? क्योंकि श्रीकंठ सबके हस्बैंड को भड़काता था कि साथ में रहना चाहिए, ब्ला ब्ला थिंग्स. बट यहाँ पे विमेन लोग क्या है, उनको तो अलग रहना था. इसीलिए सब लोग श्रीकंठ से हेट करती थी, उनका इंसल्ट करती थी, अपमान करती थी या बुराई करती थी, लाइक दैट. कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करता था. बेचारा श्रीकंठ किसी को जाके कुछ बोल नहीं रहे, अच्छा चीज बोल रहे, बट फिर भी औरत लोग को वो लोग क्या लगते थे कि नहीं ये हमारा शत्रु है. स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था. स्वयं उनकी पत्नी कौन है? आनंदी. आनंदी को भी इसमें प्रॉब्लम था. क्या प्रॉब्लम था? कि मेरे पति का ये जो विचार है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है, कि साथ में रहने वाली चीज. तो आनंदी को इससे प्रॉब्लम था. नेक्स्ट, यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, निर्वाह माने सेटलमेंट ना हो सके, तो आए दिन के कलह, कलह माने झगड़ा से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए. इसका विचार भी ठीक है. माने वो बोलती थी कि मेरे को कोई नफरत नहीं अपने सास से, ससुर से, जेठ से, I don't hate them, but क्या, अगर हम लोग सब साथ में है और फिर भी हम लोग झगड़ा ही किए जा रहे, तो बोलो वो साथ में रहने का मतलब है क्या? नहीं. इससे बेटर है कि हम लोग दूर रहे और तो हम लोग में प्यार बना रहे, जो आजकल हर अपने सोसाइटी में हो रहा है कि दूर है बट प्यार बना हुआ है. बट वही अगर एक ही फैमिली में हो तो अनबन तो बन ही जाती है. तो आनंदी का विचार सही है या गलत, आप लोग मेरे को बताओ. ये जो विचार है आनंदी का, वो सही लग रहा है या गलत लग रहा है आप लोग को? चल मी बताओ, कन्वर्सेशन सही है. बोलो सही है, सही है, सही है. ओके साहिल, साहिल तो एकदम फ्यूचर ओरिएंटेड समझ लिए करना क्या है लाइफ में. नेक्स्ट दिव्या, हम लोग सब बताओ क्या करोगे, क्या करोगे नहीं सॉरी, विचार कैसे? उतना बोलने पे समझ जाएंगे आप लोग का विचार से. सही है मैम, सही है, मैंने सबके लिए सही है. पेरेंट्स नहीं है ना किसी के आगे पीछे, फिर तो जाओगे आते आगे. चलो यहाँ पे यही चीज है आनंदी का विचार. आनंदी एक बड़े ऊंच स्कूल की लड़की है. अब आता है आनंदी का जो कूल है, जो वंश है वो बड़ा ही ऊंच स्कूल है, माने अच्छे घर की बेटी है वो. उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे. ठीक है, तालुकेदार का मतलब ही जमींदार थे, माने उसके पिताजी भी एक बड़े डिस्ट्रिक्ट के बोल लो, रियासत के बोल लो, जमींदार थे. विशाल भवन माने बड़ा बंगलो. भवन इज वॉट, एकदम बंगलो, महल जैसा. विशाल माने बड़ा बंगलो. तीन कुत्ते, एक हाथी, और सोचो तीन कुत्ते थे उनके पास, एक हाथी भी था. झाड़ फानूस, एक्सक्यूज मी, झाड़ फानूस का मतलब झूमर होता है. आजकल के जमाने में तो अपने सबके घर में झूमर दिखेगा, बट पहले के जमाने में बहुत बड़ी चीज थी. ऑनररी मैजिस्ट्रेट और रेंट, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे. विद्यमान में विद्यमान माने प्रेजेंट थे, माने वो एक बड़े आदमी थे, परंतु समय ने कुछ ऐसी फेर मारी होगी. क्या होता है गाइस, सोचो अपने पास बंगला है, सब कुछ है, ठीक है, बट कभी कभी अपना दिनमान ऐसा फिरता है, माने हम लोग का ऐसा बैड डेज आता है, या फिर हम लोग का दिन अच्छा नहीं होता है, कि हम लोग के पास कैश की कमी होती है. कभी देखे हो, माने घर वर सब अच्छे है, सब कुछ ठीक है, बट कभी लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि जो इनफ्लो होता है कैश का, होता है ना लिक्विड मनी जिसको बोलते हैं अपने, वो चीज नहीं रहता है, समथिंग लाइक. तो ये उसी के शिकार थे कि ये लोन में डूबे हुए थे या कुछ प्रॉब्लम था. माने ऐसा नहीं कि वो रिच नहीं थे, बंगला था, हाथी था, सब कुछ था, बट परंतु उनके पास ऋण था. ऋण माने लोन का बोझ था. उन्होंने बहुत लिक्विड मनी के लिए, रोजमर्रा के जीवन को बिताने के लिए पैसे उधार लिए थे, क्योंकि हो सकता है इनका बुरा दिन आ गया है, इनके पास इतने पैसे नहीं थे टाइप. इसीलिए माने एक टाइम था जब पैसा था तो बंगला बंगला बना लिया, समझ रही हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, परंतु अब शायद हो सकता है कि लिक्विड मनी की कमी हो गई होगी. इट्स लाइक दैट. आप लोग कंफ्यूज मत होना मैम, एक जगह तो इसके पास भवन है, सब कुछ है, फिर आप एक जगह बोल रहे हो कि ऋण है, माने लोन में दबा हुआ है, ऐसे कैसे? तो कभी होता है ना, सपोज अभी मैं अर्न कर रही हूं, मैंने बंगला बंगला बना लिया, बट हो सकता है इन फ्यूचर मनी का कमी आ जाए, तब तो लोन लेकर चलाना पड़ेगा ना. बंगला से क्या खाना आ जाता है क्या? तुम लोग समझो बंगला है तो क्या खाना आ जाएगा? नहीं ना. इट्स लाइक दैट, ये इसके हिसाब से बोल रहे. नेक्स्ट,
तो यहाँ पे क्या है, उनके पास सब कुछ थे। नाम था भूप सिंह, जिसका नाम मैं अभी तक नहीं बोली। क्या नाम था बोलो? भूप सिंह। किसका नाम था? आनंदी के पिता का। आप लोग एक बार इतना पढ़ लो ना, एक बार रीडिंग करो, मैं एक सेकेंड में आ रही हूँ, एक बार इतना देखो, कोई प्रॉब्लम है तो। पर रीडिंग करो, हाँ, कोई भी दिक्कत है, कोई भी इश्यू है, पूछना। रीडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में नहीं, अभी तुरंत तुरंत होना चाहिए। निकुंज समझ आ रहे? दिव्यम तो ऑन करके रखा था इस वीडियो। निकुंज बोलो, प्रिया बोलो, निकुंज और प्रिया को क्लियर है सब कुछ? यस मैम। यस मैम। मतलब प्रिया का तो ऑन था, परी परी क्लियर है? परी परी पृथ्वी पर आओ और जवाब दो, सब क्लियर है कि नहीं है? परी इज गायब। परी परी, अब मुझे गाना गाना पड़ेगा क्या आपको बुलाने के लिए? आप लोग सब ऐसे एक दूसरे को जानते हो, मतलब आप लोग का और भी क्लासेस साथ में हो गई आएगी, isn't it? इको और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलो आगे पढ़ते। तो यहाँ पे भूप सिंह आनंदी के पिता का एंट्री हुआ और बताया जा रहा है उनके पास हाथी कुत्ते सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट। बड़े उदार चित, माने उदार माने दयालु, और चित माने दिल, तो उनका दिल भी बड़ा दयालु था। और प्रतिभाशाली पुरुष थे, माने प्रोग्रेस करने वाले पुरुष थे, और अच्छे पुरुष थे, गुण था उनके अंदर बहुत। पर दुर्भाग्य से लड़का एक दिन आता, ये लाइन अपने इंडियन सोसाइटी को जताता है। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य माने बुरे भाग्य से एक भी लड़का ना था, माने लड़की है तो उसका खुशी नहीं है। यहाँ पे फोकस किस पे कर है कि लड़का दुर्भाग्य से नहीं था। तो ये जो दुर्भाग्य वर्ड है, ये कहीं ना कहीं कटाक्ष है किसके ऊपर? लड़कियों के लिए। पहले के जमाने में जो होता था कि लड़का नहीं है तो भाई तुम्हारा दुर्भाग्य है, विच इज टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट। पर दुर्भाग्य से लड़का एक दिन आता, आनंदी चौथी लड़की थी। आनंदी कौन से नंबर वाली थी? फोर्थ। माने उसके ऊपर तीन जो थी वो कौन थी? सब लड़कियां थी, उसकी तीन बड़ी बहनें थी। बस अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। जो अपनी आनंदी है ना, वो अपनी बाकी बहनों में से सबसे ज्यादा रूपवती, माने सुंदर, चेहरे से सुंदर थी, और गुणवती माने क्वालिटी में भी अच्छी थी। दोनों चीज थी, रूप से भी अच्छी और क्वालिटी से भी अच्छी, दोनों चीज थे उसके अंदर। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए जो भूप सिंह है उससे बहुत 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 प्यार करते थे। बट ये तो गलत चीज है। अच्छा, यहाँ पे और एक लाइन आएगा, फिर मैं ये लाइन बोलूँ। सुंदर संतान और सुंदर संतान को कदाचित माता पिता भी अधिक चाहते हैं। यहाँ पे और एक कटाक्ष भरा लाइन, विच इज आई डोंट थिंक सो इट्स ट्रू। बोला जा रहा है कि जो सुंदर संतान होते हैं उसको माता पिता प्यार ज्यादा करते हैं। इज इट ट्रू दिव्यम? ऐसा है क्या? अगर संतान सुंदर है तभी माता पिता उसको ज्यादा प्यार करते हैं? बोलो अपना विचार प्रकट। नहीं, तो इट्स रॉन्ग। यहाँ पे बोल रहे कि सुंदर बच्चों को ही प्यार करते, तो इट इज टोटली रॉन्ग। एक तो लड़का वाला लाइन इज अलग, एंड यहाँ पे ये लाइन तो पूरा रॉन्ग ही है। ठीक है, नेक्स्ट। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करे। धर्म संकट इस प्रॉब्लम में थे, सोच रहे थे कि मेरी प्यारी बच्ची आनंदी जो इतनी सुंदर है और इतना गुण है उसके अंदर, उसका शादी कहाँ करे।
ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। देखो ये लाइन झलकार है जो मैं तुम लोगों को बोली थी। माने पिता को और ऋण लेने का मन नहीं था, ऑलरेडी वो लोन में दबे हुए थे तो उनका मन नहीं था। ऋण माने लोन की, और लोन ले और बेटी का शादी कराए, समझ रहे हो, ये भी मन नहीं था। और सेकंड चीज उनको ये भी मन नहीं था कि उनकी पुत्री आनंदी अपने आप को ये समझे कि मैं कितनी अनलकी हूं, मेरा शादी कितने गंदा जगह में हो गया या हो ही नहीं रहे। तो उनको दोनों चीजें नहीं करना था, इसीलिए मैं वो ऋण वाला पॉइंट आप लोग को पहले बताई कि इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि ये लोन में दबे हुए हैं। नेक्स्ट, एक दिन श्रीकर सिंह, क्या परी ये लाइन रिपीट करूं? इस लाइन में ये बोला जा रहा है कि जो चौथी लड़की आनंदी, अभी तक उसका शादी नहीं हुआ था और पिता को बहुत टेंशन हो रहा था उसकी शादी का, ठीक है, और पिता ये सोचते थे कि मुझे और लोन नहीं लेना है, मुझे और ऋण, ऋण माने लोन, लोन का बर्डन नहीं लेना है, माने ऑलरेडी उनके ऊपर लोन बहुत था। और सेकेंड चीज उनको ये भी नहीं चाहिए था कि जो बेटी आनंदी है वो अपने आप को अनलकी समझे कि मेरी शादी नहीं हो रही है या शादी हुई भी तो कहीं गंदी जगह हो गई। उसको दोनों चीज नहीं चाहिए था, किसको, उसके पिता को। अब समझा परी? Yes, ma'am. Ma'am, actually, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, जितना समझ आ रहे कर लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगा, देख लेना फिर। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या है अपने आगे देखते हैं। एक दिन, ये मजेदार है, सब लड़का लोग देखो क्या किया लड़का। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। श्रीकंठ सिंह तो एकदम इंटरेस्टिंग लड़का है, वो तो माने ये सब सम्मिलित करता था ना, रामायण ये सब वाली चीज कैरेक्टर में पार्टिसिपेट करता था। तो एक दिन वो चंदा लेने, डोनेशन लेने चला गया, किसके घर, भूप सिंह के घर, ठीक है। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए, चंदा लेने आया हुआ लड़का के ऊपर एक माने इतना बड़ा बंगलो वाला मालिक रीझ गया, उसको बहुत पसंद आ गया लड़का। सोच रहे हो चंदा लेने जाओगे तो क्या चांसेस है, समझो, इसीलिए बोलते कल्चर के साथ इकट्ठा रहो और चंदा लेने से क्या मिलेगा तुम लोग को। देखो भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए, माने एकदम इंप्रेस हो गए लड़के से, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। जस्ट इमेजिन, चंदा लेने गया था, लेकर किसको आया, लड़की को, माने उसका लक देख रहे हो तुम लोग। हाँ सर, इसीलिए स्टोरी रियलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है बाबू, रियलिटी बन सकते हैं लाइफ में, इसीलिए बोलते हैं अच्छा काम करते रहो, फल का आशा मत करना, फल तुम लोग को अपने आप मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, जस्ट डू दी एकदम गुड वर्क, जैसे इसने डोनेशन लिया था। नेक्स्ट, जस्ट इमेजिन डोनेशन लेने गया है और लड़की मिल गई उसको, क्या बोलते हैं इसको। आगे, आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ नया देखा, पर आनंदी तो फंस गई। आनंदी जब इतने भवन से आई, महल से आई, तो जब नए घर में आई तो उसको लगा ये क्या, माने उसको थोड़ा अजीब लगा। जिस टिमटाम की उसे बचपन से आदत पड़ी थी, टिमटाम माने एकदम डेकोरेटेड घर, श्रृंगार भरा घर, हर एक चीज था उसके घर में और वो बचपन से वही देख रही थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना था, नाम मात्र माने बोलने के लिए भी नहीं था कि जिसको वो बोल भी सके, हाँ चलो ठीक है, कुछ भी वैसा अच्छा चीज उसका नया ससुराल में नहीं था। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, माने उसके महल में तो हाथी घोड़े थे, यहाँ हाथी घोड़ा तो छोड़ो, कोई सजी हुई सुंदर बहेली तक नहीं थी, माने बकरी की बच्ची या समथिंग होता है ना वो भी नहीं थी, कि कोई बकरी टंगी हो, वैसी भी कुछ नहीं उसको दिखी। रेशमी स्लिपर साथ लाई थी, अमीर है ना, आप लोग समझ रहे हो, एकदम लड़की लोग का तो एकदम होता है ना, सिल्क का स्लिपर साथ लेकर आई थी अपना, ठीक है लड़की। पर यहाँ बाग कहाँ, बाग माने गार्डन, यहाँ पे गार्डन कहाँ जिसको पहनकर वो घूमेगी, जहां वह सैर करेगी, सैर करेगी माने घूमेगी। मकान में खिड़कियां तक ना थी, माने जो उसका मकान है, जो उसका फ्लैट है, उसमें खिड़की भी नहीं था, ना जमीन पर फर्श, जैसे अपना सुंदर से मार्बल का फ्लोरिंग रहता ना, वो भी नहीं था, फर्श माने फ्लोरिंग जैसा भी नहीं, ना दीवार पर तस्वीरें, होता है ना अपने को आदत है फ्रेम व्रेम हो, डेकोरेटेड चीजें हो, कुछ भी नहीं। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, देहाती माने जो गांव से रिलेटेड टाइप लोग होते हैं, गृहस्थ माने जो शादीशुदा टाइप से रहते हैं, वैसा मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति को ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के समान कभी देखा ही नहीं। सोचो, सच ए स्वीट गर्ल, एडजस्टिंग लड़की है, कैसी लग रही है साहिल दीदी, हम लोग बताओ ये लड़की कैसी है, एडजस्ट कर ली, सोच रहे हो तुम लोग, यहाँ पे जो महल से आई थी अब यहाँ पे, सोचो ऐसे दिन बिताने लग गई मानो विलास के समान, माने सुख के दिन ही नहीं देखे हो,
समझ रहे हो आइडियल लड़की लग रही है कि नहीं, एकदम रिच लड़की, और जैसे रखोगे वैसे रहेगी, सोचो लग रही है साइन को, गुड। तो यहाँ पे वही चीज है कि एकदम आइडियल लड़की, एकदम कि माने महलों से आई है बट फिर भी जब वो इस गरीबी में आई तो मानो ऐसे एडजस्ट कर ली अपने आप को कि उसने विलास के समान दिन या समथिंग, मतलब सुख के दिन देखे ही ना हो, ऐसे ही बिता दी। नेक्स्ट, अब आता है मेन टॉपिक जिससे सब कुछ आएगा। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए आया, माने दो चिड़िया माने वही चीज जो अपने नॉनवेज बनाते हैं पकाते लाइक दैट, तो दो चिड़िया लेकर आया और भावज से बोला, भावज माने भाभी, भाभी से बोला जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है, माने ही वॉज वेरी हंग्री। अपने सबके साथ होता है ना, जब अपने एकदम भूख में एकदम ही माने एकदम भूखे है तो अपना गुस्सा भी बहुत ऊपर रहता है, isn't it? अगर सोचो तुम भूखी हो और मम्मी लोग बोल रहे कि खाना नहीं बना हुआ है तो कैसा लगेगा, गुस्सा नहीं आ जाता है कि भाई तोड़ दे सब सामान, एक्सट्रीम भूख में। तो इसमें भी यही देखो क्या लिखा है, ये तो हो गया, कहां गया, हाँ जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है बोला। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी, सोचो तुम मैगी का पैकेट नहीं, तुम लोग ट्यूशन से आए और तुम लोग मैगी का पैकेट खरीद के लाए और मम्मी तो खाना रेडी कर चुकी है, अब तुम लोग मम्मी को जाकर बोलोगे जल्दी से मैगी बना दो लाइक दैट करके। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि जो उसकी भाभी आनंदी है वो खाना रेडी करके रखी थी पर अब नया खाना का ऑर्डर आया कि उसको चिड़िया खाना है, मैंने उसको उसको पका के दो उसको वो नॉनवेज फूड खाना है लाइक दैट। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, व्यंजन माने पूरा खाना बनाने बैठी नया, हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था, हांडी माने जो हांडी जैसा पॉट जैसा रहता उसमें घी रहता था तो उसको वो देखी तो ज्यादा उसको नहीं दिखा, क्वांटिटी में पाव भर से ज्यादा नहीं था, एकदम थोड़ा था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, विच इज ट्रू समवॉट, किफायत माने बचत, कि जो बड़े घर की बेटी है भाई, बड़े घर की बेटी माने अमीर बेटी, जो अमीरों के घर से आई है तो उन लोगों को नहीं पता कि बचत क्या होता है भाई, सेविंग्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उसने सब घी मांस में डाल दिया, तो जो वो मांस बना रही थी सारा का सारा घी डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था, माने वो चिड़िया तो दी साथ में बाकी खाना भी दी, तो उसने क्या देखा दाल में घी नहीं था। पहले के जमाने में जैसे अभी तो अपने को बोलते हैं ना प्लीज मम्मी घी मत दो, ये है वो है ब्ला ब्ला थिंग्स, बट पहले के जमाने में घी बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है, क्योंकि उन लोग इतने मोटापा वोटापा वाले चीज में रहते नहीं थे और उन लोग एकदम हार्डवर्क करते थे तो वो लोग ऐसे भी पतले रहते। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे घी का ऑर्डर आ रहा है कि घी कहाँ है, दाल में घी नहीं दिया, ऐसे भाभी से बोल रहे हैं। उसने सब घी मांस में डाल दिया, लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था, बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा माने क्यों नहीं डाला दाल में घी, पूछ रहे। आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया, मांस माने जो फ्लैश बनाया जा रहा था, जो आइटम रेडी किया जा रहा था, मैंने तो सारा घी उसमें डाल दिया। लाल बिहारी जोर से बोला, एकदम गुस्सा आ गया उसको, अभी परसों घी आया है इतनी जल्दी उठ गया, माने अभी परसों ही तो घी लेकर आया था, इतनी जल्दी खत्म कैसे कर दिया, उठ गया माने खत्म हो गया, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया, माने आई डोंट नो कि कल परसों कितना था बट आज तो थोड़ा था और वो सारा मैंने आपके फ्लैश वाले चीज में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, माने एक गीली लकड़ी होती है ना उसमें आग जल्दी नहीं पकड़ता है, याद रखना जो सूखी लकड़ी होती है उसी में आग पकड़ता है, तो वैसे ही ये कंपैरिजन हो रहा है, वैसे ही शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है, शुदा माने भूख, भूख से बावला, बावला माने पागल मनुष्य थोड़ी थोड़ी देर में तिनक जाता है माने पागल हो जाता है, बौखला जाता है, माने इफ वी आर हंग्री और कभी हमसे कोई बहस करे तो हम लोग भी एकदम पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेम चीज बोला गया है कि जैसे आग में माने सूखी लकड़ी होती है ठीक है उसमें आग जल्दी पकड़ता है, वैसे भूख का इंसान भी क्या करता है, भूखा इंसान भी क्या होता है, जल्दी गुस्सा करता है। नेक्स्ट, लाल बिहारी को भावच किया और चिचाई बहुत बुरी मालूम हुई, माने लाल बिहारी को भावच का ये बदमाशी अच्छा नहीं लगा, उसको लगा जानबूझ के कर रही है या उनको कुछ आता ही नहीं है लगता। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती है, माने अब वो लड़ाई मोल ले लिया टाइप्स, क्योंकि लड़की को उसके मायके के बारे में कुछ बोल दो तो भाई तुम गया। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि देवर ने भाभी को उसके मायके के बारे में उंगली उठाई कि तुम्हारे मायके में तो मानो घी की नदी बहती हो, माने तुम लोग तो बहुत फ्लरिश इंसान हो ऐसे कर रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोलती है आनंदी,
स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उसके मैके की निंदा नहीं सहती, माने उसके घर वालों की बुराई नहीं सहती। तो गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, समझ गए, कुछ भी सह लेगी लड़की पर बुराई नहीं सहेगी। पर नए जमाने की लड़कियों को तुम गाली और मार भी मत देना, क्योंकि मार खा के आ जाओगे, समझ ही रहे हो, ये दोनों भी मत करना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्रियां गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, बट नए जमाने की लड़कियां नहीं सहेगी, तो प्लीज बी बेयर। नेक्स्ट, आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी माने मुंह फेरी, गुस्सा आया उसको और बोली हाथी मरा भी तो 9 लाख का, माने वो उसको ताना देती देवर को। तुम एग्जाम्पल भी दे रहे हो तो कितना घटिया एग्जाम्पल दे रहे हो। वहां इतना घी तो नित्य माने डेली नाई काहार खा जाते हैं, माने मस्त जवाब दी, मेरे मायके में तो इतना घी नौकर चाकर खाते हैं, तुम क्या घटिया एग्जाम्पल दे रहे हो मेरे मायके का, क्योंकि तुम मेरे मायके के बारे में जानते ही क्या हो। लाल बिहारी जल गया, जल गया माने अग्नि में नहीं जल गया, गुस्सा आ गया लाल बिहारी को, उठाकर थाली उठाकर पटक दी, थाली उठाया और पटक दिया, नहीं खाया, और बोला जी चाहता है जीभ खींच लूं। सोचो भाभी को बोलते हैं कि तेरा मेरा जी चाह रहा है कि तेरी जीभ खींच लूं, जिससे मैं तू कभी कुछ बोल नहीं पाए, लाइक दैट माने गुस्से में बोल रहा है, विच इज नॉट गुड, क्योंकि भाभी देवर से रिश्ते में ऊपर होती है तो उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए था, बट ये थोड़ा अनपढ़ सॉर्ट ऑफ इंसान है जिसने रेस्पेक्ट नहीं किया अपने बड़ों का। नेक्स्ट, आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, आनंदी भी एकदम गुस्से में आ गई, बोली वे होते तो आज इसका मजा चखा देते, वे कौन, इसका पति अगर होता तो देवर को क्या करता, मजा चखा दे। अब अनपढ़ उज्जड़ लाल बिहारी से ना रहा गया, माने वो पढ़ा लिखा नहीं था, उज्जड़ माने ढीठ एकदम था, तो उससे नहीं रहा गया, एकदम गुस्सा आ गया। और जो लोग ऐसे होते हैं ना, पहले तो वो लोग मुंह से बात करते हैं, फिर वो लोग हाथापाई करते हैं, तो देखो लाल बिहारी क्या किया, खड़ाओ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंका, खड़ाओ माने चप्पल होता है, लकड़ी का चप्पल पहले के जमाने में पहनते हैं, तो चप्पल उठाकर फेंका किसके मुंह पे, आनंदी के मुंह पर, ठीक है, और जोर से फेंक कर बोला जिसके गुमान पर फली फूली हो, माने घमंड, जिसके घमंड पर इतनी फूल रही हो, इतना जवाब दे रही हो, उसे भी देखूंगा तुझे भी देखूंगा, इन शॉर्ट बोलना चाहता है तेरे पति को भी देख लूंगा और तुझे भी देख लूंगा। और ये सब वो क्या सच में बोलना चाह रहा था, नहीं, कभी कभी गुस्से में ऐसी बातें भी हम कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे ये चीज। नेक्स्ट, आनंदी ने हाथ से खड़ाओ रोकी, माने चप्पल मारा था ऐसे रोका, क्योंकि लकड़ी का चप्पल है ना, सिर बच गया, अगर सिर पे लगता तो सिर फट जाता, तो सिर बच गया, पर उंगली में काफी चोट आई, फिंगर्स में बहुत चोट आया, क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई, माने जैसे हवा से पत्ते हिलते हैं ना, वैसे ही गुस्से के मारे इसका पूरा शरीर कांप रहा था, ऐसा हुआ इसके साथ, तो वो कमरे में आ गई। स्त्री का बल और पुरुषत्वों का घमंड होता है, स्त्री का नहीं होना चाहिए, स्त्री को होना चाहिए, स्त्री को बल और पुरुषत्वों का घमंड होता है, माने अपने आदमी का, पुरुषत्व माने कि अपने आदमी का और आदमी के बल का, शक्ति का घमंड होता है, माने इसको जिसका घमंड था वही क्या हो गया, बोलो, देवर ने उसी के ऊपर चोट मारा, बेसिकली उसके पति के लिए बोला। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई, माने गुस्सा अपना कंट्रोल कर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, किस दिन आते थे घर, माने उनका जो जॉब था ना वो सेम जगह नहीं था, वो सेम गांव में या सेम जगह नहीं था, वो जॉब करने के लिए कहीं और जाते थे और हमेशा रिटर्न बैक सैटरडे को करते थे। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, बृहस्पतिवार को यह घटना घटी, बृहस्पतिवार क्या होता है, थर्सडे को ये इंसिडेंट हुआ था, और श्रीकंठ सिंह कब आने वाले थे, सैटरडे को। गाइस 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, कोप भवन माने क्रोध में, एकदम अपने रूम में रही या क्रोध में रही, लाइक दैट, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीखंड की बाट देखती रही माने इंतजार करती रही, किसका, अपने पति का। थर्सडे को इंसिडेंट हुआ, सैटरडे को आने वाले हैं पति। अंत में शनिवार को वो नियम अनुसार संध्या समय घर आए, नियम अनुसार माने नियम के साथ, जैसे डेली स्केड्यूल रहता है वैसे, तो सैटरडे को वो आने वाले थे, वो सैटरडे को इवनिंग में आए, संध्या माने इवनिंग के टाइम पर आए, और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। अब के जमाने में क्या होता है, हस्बैंड सबसे पहले वाइफ के पास ही आ जाते हैं, बट पहले के जमाने में जब हस्बैंड आता था तो वो बैठक में अपने पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ पहले बात करता था, तो यहाँ पे भी वो हॉल में बैठक में सबसे बात कर रहा है।
कुछ देशकाल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहले के जमाने में इतना मीडिया वीडिया नहीं होता था, इतना व्हाट्सएप या फोन नहीं होता था कि हम लोग को सब न्यूज पता हो। तो ये जो लड़का है वो तो बाहर से आता था, तो गाँव के लोग उत्सुक रहते थे कि वाओ ये आएगा बाहर का खबर लेकर हम लोग को कुछ इंटरेस्टिंग बताए। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। कितने टाइम तक ये बात हुआ? 10 बजे तक। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता, भद्र पुरुषों माने अच्छे लोगों को, ये सब बात करके माने कि दुनिया में ये हो रही है वो हो रही है, तो इनको बहुत खुशी मिलती कि खाने पीने का सुध भी नहीं रहता। खाने पीने का सुध माने याद कि खाना है पीना है, याद नहीं रहता, सिर्फ बात करते रहते थे। श्रीकंठ सिंह को पिन छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, माने जो श्रीकंठ सिंह है उनको इन सब से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। दो ये दो तीन घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। क्यों? क्योंकि पति सामने बैठा है, उसको अपनी सारी मन की बात बोलनी है। तो ये जो दो तीन घंटा गया बहुत ही कष्ट भरा गया, माने शी वॉज वेटिंग कि कब वो आएगा पति रूम में और सारी बातें पति को बताएगी। होता है ना हम लोग के लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा हो, हम लोग को एक पर्सन चाहिए या समथिंग, पेरेंट्स बोल रहे, कोई भी चाहिए जिससे हम शेयर करें। तो आनंदी के लिए उसका पति वैसा ही था। नेक्स्ट, ये दो तीन घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा भैया जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। मतलब आनंदी के बोलने से पहले ही करप्टेड देवर ने पकड़ा अपने भाई को, जब एकदम अकेला हो गया था, एकांत माने अकेला हो गया, और बोला कि अपनी दीदी को समझा देना, बहुत ज्यादा चढ़ रही है, अगर ऐसे ही आगे चलती रही तो अनर्थ माने घोर पाप हो जाएगा। सोचो, नेक्स्ट, माने भाई ने पहले बोल दिया। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, ये भी एक बड़ा कटाक्ष है। पहले के जमाने में बहुओं को सपोर्ट नहीं करते थे, साक्षी दी माने प्रूफ बना, गवाह बना कि हाँ जो छोटा बेटा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, समझ रहे हो? इसमें ये है, बेनी माधव सिंह ने बड़े ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे, माने वही चीज है भाई, क्यों मर्दों के मुंह नहीं लगे, लड़का लड़की एक ही होता है, बट पहले के जमाने में ये होता था, मर्द बोले तो ठीक है बट औरत बोले तो गलत है, तो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, लाल बिहारी बोला वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहा नहीं है, माने वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। किसने बोला? लाल बिहारी बोला, लाल बिहारी माने देवर बोला। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, श्रीकंठ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहे, लोग तो रैंडम बात कर रहे। श्रीकंठ टेंशन भरे स्वर में बोला, चिंतित स्वर में बोला, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं, यो ही आप ही आप उलझ पड़े। तो बोलते कुछ भी नहीं, वह अपने आप उलझ गई मेरे से, मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती नहीं है, मैके माने मायके वालों के सामने हम लोग को नीचा समझती है, हम लोग को अपमान करती है, माने सारा झूठ बोल रहे और कुछ नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए, पति भी मस्त, माने पहले पत्नी के पास नहीं गया, पहले खा रहे, माने सच शिट थिंग यार, तुम्हारी बीवी के लिए इतना कुछ हो रहा है तुम उसके पास जाओ, बट नहीं वो पहले खाना खाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए, वह भरी बैठी थी, भरी माने बातों से भरी, बहुत सारी बात लेकर अंदर ही अंदर बैठी थी कि कब मेरा पति आएगा और मैं बोलूंगी। मैके के सॉरी ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा चित्त तो प्रसन्न है, देखो बीवी हो तो ऐसी, आते ही बुराई नहीं की, आते ही क्या पूछी, आर यू हैप्पी, चित्त माने मन, मन तो ठीक है ना तुम्हारा। सोचो कितनी स्वीट वाइफ अपने पति को ऐसे ग्रीट कर रही है, नहीं कि आते ही भड़ास निकाल रही है, कुछ बोल रही है कि तुम्हारे परिवार वाले ऐसे, आते ही उसका माने उसका क्वालिटी देखो, उसका कल्चर देखो आनंदी का, आते ही उसने बुराइयां स्टार्ट नहीं की परंतु अपने पति का हालचाल पूछा, तुम्हारा चित्त माने तुम्हारा मन तो खुश है ना, माने सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही अब से आप लोग पूछना, तुम्हारा चित्त तो प्रसन्न है ना। नेक्स्ट, फिर क्या है, श्रीकंठ सिंह बोले बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है, माने मैं तो ठीक हूं, मैं तो खुश हूं, बट तुमने क्या हंगामा मचा दिया घर पर। आनंदी की त्योरी चढ़ गई, अब तो आनंदी को गुस्सा आ गया कि एक तो मेरे साथ अन्याय हुआ, ऊपर से मेरे को ये लोग बोल रहे हैं, त्योरी चढ़ गई माने गुस्सा आ गया, झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी, माने अपने गुस्से में एकदम नहीं हो जाते तो पूरा ज्वाला माने अग्नि अग्नि पूरे बॉडी में उसका जल उठा। बोली जिसने तुमसे आग लगाई उसे पाओ तो मुंह झुलस दू, बोलती जिसने तुम्हें ये सब बोली है ना उसको लेकर आओ तो उसका मुंह पूरा मैं काट दू या उसका मुंह पूरा पकड़ के वैसे, समझ रहे हो, माने वैसे कर दू, लाइक बोल नहीं पा रही हूँ माने एकदम झुलस दू टाइप्स। ऐसे इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो, गर्म क्यों होती हो माने इतनी गुस्सा क्यों होती हो।
ठीक है, इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो, बोलो क्या हुआ, क्या कहूं, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गवारा छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का शौहर शौर नहीं, शौर माने वो उस लायक नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मारकर यो करता, माने मैं एकदम बड़े घर की बेटी, ये सब है, और एक लड़का जिसको चपरासी का काम भी नहीं मिले, उस लड़के ने मुझ पर चप्पल फेंकी, अब वो रियालिटी बताए, सब हाल साफ साफ कहूं तो मालूम है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक से बताओ क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, अभी सब सच बोल रहे, सेकंड क्वालिटी ऑफ आनंदी, वो कुछ भी गलत नहीं बोल रहे, वो जो बोलेगी सब सच बोलेगी, देखना, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, बस अब मैंने मांस में डाल दिया, जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है, बस इसी पर वह मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा, मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा कि वहां तो इतना घी तो नाई कहार कहा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता, बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी, अन्यायी माने जो इंसान जैसा माने होता है ना, जो न्याय नहीं करते वैसे, उस अन्यायी ने मुझे खड़ाऊ फेंक कर मारी, यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता, उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है बस सच है या झूठ, तुम लोग बोलो, जो भी लाइन हम पढ़े एक भी लाइन ऐसा है कि वो गलत बोली है बेचारी, उसने अपना गलती भी बताया कि उसने भी बोला है कि इतना घी तो मेरे नौकर चाकर खाते हैं, सब मैंने बोला, क्या उसने एक भी चीज गलत बोला, नहीं, बट वही जो उसका देवर था वो सब गलत बोला है कि सिर पे चढ़ रही है, मायके के सामने कुछ समझती नहीं है, ब्ला ब्ला थिंग्स, तो यहाँ पे यही है कि वो कितनी सच्ची है और वो जो बोलती है सच बोलती है, कुछ झूठ नहीं बोलती है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, माने उसको गुस्सा आ गया, बोला यहां तक हो गया और छोकरे का साहस, अब तो पति को अपनी पत्नी के लिए बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो बोला मेरा भाई इतना बदमाश है और छोकरे का हिम्मत इतना बढ़ गया। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, माने जैसे औरत लोग होता है ना रोने लग जाती है और आदमी लोग और डूब जाते हैं उसमें, तो यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे आनंदी का स्वभाव या स्त्री का जैसे स्वभाव होता है वैसे ही वो क्या करने लग गई, रोने लग गई। नेक्स्ट, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं, माने लड़कियों के पलकों पर रहते हैं ऐसे बोला जा रहा है। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे, धैर्यवान माने उनमें पेशेंस था, ठीक है, और शांत माने पीसफुल आदमी थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, माने कभी कभी क्रोध आता था, कभी नहीं क्रोध आता था, ऐसे इंसान थे श्रीकंठ, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोध अग्नि भड़काने में घी का काम करते हैं, माने अगर उनकी कोई लड़की या वाइफ रो दे तो जो आदमी का गुस्सा है तो वो कैसे काम करेगा, जैसे आग में घी डाले हो वैसे पुरुष और भड़क जाते, तो यहाँ पे यही बोला कि आनंदी जो रोने लग गई तो श्रीकंठ का गुस्सा और बढ़। रात भर करवट बदलते रहे, माने रात भर नींद नहीं आई, इधर से उधर करवट बदल रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी, माने गुस्से के कारण वैसे एकदम इरिटेशन के कारण सोए नहीं, पलक भी नहीं झपकी, माने एकदम आंखें बंद नहीं की, प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, बाप माने बाप, यहाँ पे बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाणा होगा कि मैं इस घर में और रह नहीं सकता हूं, निर्वा माने गुजारा, इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी बार अपने मित्रों को आड़े हाथ लिया, सरकैज़म नहीं हो गया, सरकैज़म बोलो या आयरनी बोलो नहीं हो गया, यही चीज जो वो अपने फ्रेंड्स को समझाते थे कि साथ में रहना चाहिए, आज ऐसा सिचुएशन आया खुद पे कि वो खुद बोल रहे कि हम लोग साथ में नहीं रह सकते, इसीलिए बोलते हैं दूसरों को बोलना तो बहुत ईजी है बट खुद पे बीतती है तो होता है, सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ एडवाइस देने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, अरे होता है ये है वो है, बट खुद पे बीतता है तो क्या होता है कि कुछ समझ नहीं आता है, तो यहाँ पे सेम चीज है कि खुद पर जब बीता ज्वाइंट फैमिली वाली चीज तो भाई अलग हो जाओ उसको लगा, समझ ही रहे हो तो साहिल। नेक्स्ट, फिर उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, निर्वाह ना होगा करके बोल दिया, तो ये विद्रोहपूर्ण बात थी, माने एकदम डरावनी बात उसको लगी कि विद्रोहपूर्ण विद्रोह भरी बात है कि कैसे अगेंस्ट हो गया, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं, दुर्भाग्यवश माने अनलकीली, उन्हें खुद स्वयं माने खुद ये सब बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी, दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है, सहज माने इजी सिंपल है, जो मैंने बोला दूसरों को एडवाइस देना तो सिंपल है बट खुद को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल। बेनी माधव सिंह घबरा उठे, घबरा इस घबरा होगा, घबरा घबरा गए एकदम और बोले क्यों, पूछे क्या हुआ, श्रीकंठ सिंह बोले इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है, प्रतिष्ठा माने मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल है, ऐसे बोले।
आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है, माने इस घर में न्याय नहीं हो रहा है, जिद है, हठ है। जिनको बड़े का उदार सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं, माने जिनको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जैसे देवर को भाभी का सम्मान करना चाहिए, पर वही उनके सिर चढ़ते हैं, माने मुंह लगाते हैं उनसे। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर नहीं रहता, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हुआ और जूतों की बछार होती है, माने वो बता दिया कि वहां पे चप्पल जूतों से मारे जाते हैं लड़कियों को। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कड़ी बात माने तुम गंदा गंदा बात बोल दो तो चलो कोई बात नहीं, पर तुम हाथ उठा लो कितनी गलत बात। कोई एक दो कहले वहां तक मैं सह सकता हूँ, माने एक दो बातें कर लो ना मैं सह जाऊंगा, मेरी बीवी को कुछ मुंह से बोलना है बोल दो मैं सह लूंगा, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूं। माने मेरे बाद होता है ना, मेरे आगे पीछे मैं, जब मैं नहीं रहूं वहां पे मेरी बीवी को मारा जाए वो मैं नहीं सहूंगा, और मैं मुंह ना खोलू माने मैं कुछ ना बोलू ये नहीं होगा। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके, माने बेनी माधव सिंह एकदम चुप रहे, कुछ नहीं बोल पाए। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे, जो श्रीकंठ सिंह है वो क्या करते थे बोलो, हमेशा सम्मान करते थे, आदर करते थे अपने पापा का भी और अपने बड़े भाई का भी, बेसिकली हाँ पापा का भी और बड़े भाई का। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। बूढ़ा कौन यहाँ पे, पिताजी बेनी माधव सिंह शॉक रह गया, केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, माने बोला जा रहा है कि तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम कैसे ये सब बोल रहे हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती है, माने जो लड़कियां होती है औरत होती है वो ऐसे ही तो घर को तोड़ देती है। उनको बहुत सिर चढ़ाना नहीं चाहिए, माने उनको इतना सम्मान नहीं देना चाहिए। सोचो यहाँ पे भी वापस आया कि लड़की को पहले के जमाने में कैसे ट्रीट करता है, कि लड़की जो सच बोल रही है तो जो ससुर है सपोर्ट नहीं कर रहा है, बोलता है उनको सिर पे मत चढ़ाओ, उन लोग ऐसी ही होती है, उन लोग घर तोड़ देती है। तुम क्या कर रहे हो बेटे, एक लड़की के पीछे अपने भाई से अपने पिता से मुंह मोड़ ले रहे हो, उनका मतलब ये था। तो आप लोग एक बार इतना पढ़ लो, एक बार इतना पोर्शन देख लो गाइस, कुछ क्लियर नहीं है तो बोलना, एक बार इतना देखो।
गाइस एनी प्रॉब्लम रीड किए, कोई दिक्कत? नो मैम, एकदम क्लियर है सब लोग? बताओ। अच्छा मेरे को, ओके एक सेकेंड,